नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, बचपन में ही पता चल जाता है कि संतान कैसी होगी। उसके गुण उसके चरित्र का प्रमाण पत्र होते हैं और जैसी संगत सोहबत और संस्कार मिलते हैं व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बारे में कोई कह नहीं सकता कि उनमें कोई अवगुण है। वे मिलनसार हैं, गरीबों के लिए समर्पित हैं, गरीबी से निकले हैं और गरीबी देखी है, इसीलिए गरीबों के लिए वे काम भी करते हैं। और यही वजह है कि सीएम शिवराज को पूरा प्रदेश मामा कहकर पुकारता है। उनकी लोकप्रियता की वजह यही है कि वे आम लोगों में घुल मिल जाते हैं। उनका एक बेटा भी है जिसने राजनीति का ककहारा अपने पिता से ही सीखा है। राजनीति उसे विरासत में मिली है। वे अकेले नेता पुत्र नहीं है जिन्हें राजनीति विरासत में मिली हो, लेकिन कुछ लोगों को पद पर सियासत का सोपान चांदी की थाली में परोस कर दिया जाता है, फिर वे उसे सहेज नहीं पाते और लोगों के बीच अपनी छाप नहीं छोड़ पाते। वे राजनीति मस्खरे बनकर रह जाते हैं। उनकी पार्टी के नेता कई बार उन्हें लॉन्च करते हैं। मीडिया के कुछ संस्थान उनके उत्थान में अपनी पत्रिकाओं का कवर रंग देते हैं, लेकिन फिर भी बांस के पेड़ में फूल तो उग नहीं सकते। लेकिन जो योग्य है वो कहीं भी पैदा हो अपनी छाप छोड़ने लगता है और जमाना उसे स्वीकार भी करने लगता है। सीएम शिवराज के बेटे में भी एक राजनेता के गुण कूट कूट के भरे हैं। वे पिता की तरह ही अच्छे वक्ता हैं, मिलनसार हैं, लोगों के बीच जाकर जनप्रिय बनने की राह में अग्रसर हैं। और सबसे बड़ी बात, वे ये भी जानते हैं कि जनता का दिल जीतना कैसे है। ये तस्वीरें देखने के बाद आप भी इस युवा नेता के कायल हो जाएंगे। आदरणीय अखंड भैया ने मुझे ये मुकुट और ये चांदी की तलवार दी है। मैं तो भारत देश का युवा हूँ, आप सबके प्रति समर्पित। मेरे ऊपर मैं कहा चांदी का मुकुट पहनूंगा। पिताजी कहते हैं राम काज किन्हें बिनु मोहि काम विश्राम। मेरे लिए इसकी उपयोगिता इतनी नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चांदी का उपयोग करके आप इस चांदी से गरीब बेटियों की या तो शादी करें या तो उनकी पढ़ाई की चिंता करें। ये मुकुट और ये तलवार मैं वापस आदरणीय अरविंद भैया को दान दे रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ। आपने जहां सियासत में नोटों की मालाओं चांदी के मुकुटों को भेंट में लेकर टिकटों का जुगाड़ होता हो, उस राजनीति में आकर एक युवा अपने उपहारों को जनता की सेवा में समर्पित कर रहा है। किसे प्यारी नहीं होती सोना चांदी, लेकिन जब जनसेवा आपके लिए मिशन हो तो आप ऐसे उपहारों को भी जनता को न्योछावर कर देते हैं। कार्तिकेय चौहान ने यह साबित करके दिखाया है कि आने वाले वक्त में वे बड़े नेता बनेंगे और उनमें वो बनने के गुण भी मौजूद हैं। कार्तिकेय के इस व्यवहार पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।